भगतपुर ब्लॉक के गांव जैतपुर की दिव्यांग महिला ग्राम प्रधान सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने गांव का विकास करा रही है, लेकिन वहीं गांव के ही कुछ लोग महिला के इन कामों का विरोध कर रहे हैं। मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक के गांव जैतपुर की दिव्यांग महिला ग्राम प्रधान सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने गांव का विकास करा रही हैं, लेकिन गांव के ही कुछ लोग महिला के इन कामों का विरोध कर रहे हैं। महिला ग्राम प्रधान ने बताया कि जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही गांव में पूर्व में बने जर्जर पंचायत भवन को तोड़वाकर उसकी जगह नए पंचायत भवन का निर्माण जैतपुर गांव में करा रही है, लेकिन ये बात गांव के ही कुछ तथाकथित नेताओं को इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन्होंने इन लोगों की मर्जी से उनकी बताई जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण न कराकर ग्राम पंचायत सदस्यों और गांव के लोगों की मर्जी से उनके बताए स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज होकर इन नेताओं ने उनके खिलाफ मुरादाबाद मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान अपनी मर्जी से गलत स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण करा रही है, जिससे इस पंचायत भवन का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। इस पर आज जिला प्रशासन की ओर से सहायक मुख्य विकास अधिकारी के साथ एक टीम गांव में जांच करने आई थी। हमने जांच टीम का पूरा सहयोग करते हुए पंचायत भवन निर्माण से जुड़ी सभी अभिलेख मुख्य सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दिए हैं। मेरे द्वारा जो शासन द्वारा सब निर्माण चल रहा है, ईमानदारी से निर्माण कर रही है। जैसे आपके गाँव में स्कूल बन रहा है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? वो पंचायत घर का मामला है, वो जो है वो जर्जर था पंचायत भवन, उसमें बच्चे जाते थे तो बहुत डर लगता था, इसमें बच्चे जब पंचायत भवन न गिर जाए, तो उसी उस पर मैंने जो है करा था, उसी के शासन आदेश पर वो टूटा है। अच्छा, लोगों का आरोप है कि आपने अपनी मर्जी तुलवा दिया, तो क्या क्या प्रस्ताव वगैरह कुछ पास हुआ था? हाँ, प्रस्ताव सब पास हुआ था। तो ये मामला क्या है? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो कुलदीप सिंह है, उनके खेत में मैंने 2 बीघा डेहरिया नपा दी है, उन्होंने 150 पेड़ ग्राम समाज के काट के बेच दिए हैं, उनके खिलाफ 1-2 दिन में FIR होने वाली है, इसलिए वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आपने विकास कार्य के लिए बहुत ईमानदारी से विकास करूंगी और इनके साथ मिलकर रहूंगी। मैं तो बहुत कम पैसों की प्रधान हूँ, 2000 में प्रधान बनी, ना ही मैं कोई निस्पत की प्रधान हूँ जो अपना पैसा सामना करूंगी, मैं तो इन्हीं के बीच रहूंगी, इन्हीं का काम करूंगी। मुख्य सहायक विकास अधिकारी का कहना है कि सोमवार को गांव में पहुंचकर पंचायत भवन से जुड़ी शिकायत की जांच की है, जिसमें शिकायतकर्ता और ग्राम प्रधान दोनों की बात सुनी गई, जिसमें आगे जांच पूरी होने पर ही साफ हो सकेगा कि कौन सही है और कौन गलत। पंचायत का मामला है, थाना यहाँ बना हुआ है, जिसको रुकवा भी दिया गया और उसमें एक कमेटी गठित की गई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दी। अच्छा, जैसे आज आप यहाँ पहुँचे तो क्या प्रथम दृष्टि में क्या पाया है आपने? अभी आपस में डिस्कस करेंगे, पूरी कमेटी डिस्कस करेगी, देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या सच्चाई सामने आती है।